Welcome back to another video आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं फोल्डेबल लैपटॉप डेस्क टेबल का रिव्यू हमारे एक सब्सक्राइबर ने कुछ टाइम पहले जो टेबल लैम्प वाला मैंने वीडियो अपलोड किया था उसमें उन्होंने कमेंट किया था कि आप फ्लिपकार्ट अवेलेबल लैपटॉप डेस्क टेबल का रिव्यू कीजिए सो फाइनली आज इस वीडियो में हम लैपटॉप टेबल का रिव्यू करने वाले हैं सर आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर सर मैम आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आपका जो कमेंट है वो मैंने काफी टाइम के बाद में रीड किया है क्योंकि मैं कुछ टाइम से बिजी था आपका कमेंट में रीड नहीं कर पाया तो जब कमेंट मैंने देखा तो फाइनली जो प्रोडक्ट है मुझे रिसीव हो चुका है और आज इस वीडियो में कंप्लीटली रिव्यू करेंगे गाइस आप भी अगर किसी भी ऑनलाइन प्रोडक्ट का रिव्यू देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा मैं पूरी कोशिश करूंगा उस प्रोडक्ट का रिव्यू करने की तो गाइस कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं अगर आप किसी भी प्रोडक्ट का रिव्यू देखना चाहते हैं तो।, तो आज इस वीडियो में हम लैपटॉप डेस्क टेबल जिसे आप बेड टेबल कह सकते हैं ब्रेकफास्ट टेबल कह सकते हैं उसका कंप्लीटली रिव्यू करेंगे कि आपको ये कहां से मिलेगा किस प्राइस में मिलेगा किस तरह से इसका यूज है इसके प्रोज और कॉन्स के बारे में बात करेंगे तो भी कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे सो तो वीडियो को आपको तक जरूर देखना है है कहीं पर भी नहीं करना सो तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्ट तो सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे देखेंगे इसका यूजेस किस तरह की क्वालिटी मिलती है उसके बाद में हम इसकी प्राइस की बात करेंगे और सबसे लास्ट में हम इसके प्रोज और इसकी कॉन्स की बात करेंगे So guys, जब आपको ये प्रोडक्ट डिलीवर्ड होगा जब आपको ये प्रोडक्ट रिसीव होगा तो कुछ इस तरह की बॉक्स पैकेजिंग के साथ में ये प्रोडक्ट आता है गाइज अगर आपको ये लैपटॉप टेबल बेड टेबल या फिर आप इसे डेस्क टेबल कुछ भी कह सकते हैं अगर आपको भी इस तरह का लैपटॉप टेबल ऑर्डर करना है अगर आप भी इसे लेना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो आप पूरी एंड तक जरूर देखेगा अगर आप कहीं पर भी वीडियो को स्कीप करते हैं तो आपको जो रियलिटी है उसके बारे में पता नहीं चल पाएगा क्योंकि आपको एक्चुअल में इस प्रोडक्ट को यूज करते टाइम क्या क्या प्रॉब्लम्स आएगी किस तरह से आपको इसको यूज करना है सभी कुछ आगे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सो वीडियो को आपको एंड तक जरूर देखना है कहीं पर भी स्कीप नहीं करना है जल्दी तो से इसको ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कि किस तरह का जो प्रोडक्ट है वो हमें देखने को मिलता है तो यहां से हम इसको ओपन कर लेते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह की पैकेजिंग आपको इस प्रोडक्ट की देखने को मिल जाती है और यहां पर बाहर आ चुका है हमारा लैपटॉप टेबल और बॉक्स में हम देख लेते हैं बॉक्स में यहां पर और कुछ भी नहीं है बॉक्स बिल्कुल खाली है मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं जो बॉक्स है वो बिल्कुल खाली है इसमें यहाँ पर और कुछ भी अवेलेबल नहीं है आपको इसमें किसी भी तरह की कोई भी रैपर किसी भी तरह का कोई भी पॉलीथिन वगैरह देखने को नहीं मिलता है जो प्रोडक्ट है वो डायरेक्ट आपको बॉक्स में कुछ इस तरह से देखने को मिलता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो सरफेस है आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का देखने को मिलता है यहाँ पर ये जो टेबल है वो फोल्ड है अभी यहाँ पर हम इसको ओपन करते हैं इसको खोलते हैं और देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का जो प्रोडक्ट है वो देखने को मिल जाता है तो ये है

जो है वो ओवरऑल बहुत ही अच्छी है आप यहाँ पर जो इसको जो कॉफ़ी कप के लिए आपको ये स्पेस मिलता है उसको आप इस तरह से निकाल भी सकते हैं यहाँ से आप इसको भी निकाल सकते हैं तो यहाँ से आपको इसको निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है आप इसको यहाँ पर ऐसे ही लगा रहने दीजिए इसमें आप कप बोतल या फिर कुछ भी रख सकते हैं इस स्पेस में आप टैब रख सकते हैं जैसे कि आपको इस पिक्चर में देखने को मिल रहा है अब बात करते हैं कि आपको इसको बेड पर यूज करने के टाइम क्या क्या प्रॉब्लम्स आएगी तो मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूं आप इसको बच्चों के होमवर्क करने के लिए भी यूज कर सकते हैं कि बच्चे जब बेड पर बैठेंगे और इस पर होमवर्क करेंगे तो आपको उसमें भी ये काम आएगा लेकिन यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स है जो आपको इसको यूज करते टाइम फेस करनी पड़ सकती है तो क्या है वो प्रॉब्लम्स मैं आपको दिखाता हूँ आपको यहाँ पर कुछ इस तरह के ये मिलते हैं इसको आप इस ऊपर कर लीजिए ऊपर करने के बाद में इसको हम पूरी तरह से खोल देते हैं खोलने के बाद में जब हम इसको यूज़ करते हैं सो गाइस मेरे पास लैपटॉप तो नहीं है लैपटॉप में रख के आपको नहीं दिखा सकता लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक प्रैक्टिकल चीज़ करके दिखाता हूँ कि जब भी आप इसको यूज़ करते हैं तो ये इस तरह से हिलता रहता है क्योंकि इसकी जो यहाँ से देखते हैं बिल्कुल राउंडेड है राउंडेड होने की वजह से ये बिल्कुल हिलता रहता है तो भाई यहाँ पर बेड का सरफेस तो एकदम प्लेन नहीं है लेकिन अगर आप इसको फ्लोर पर भी यूज करते हैं तो ये जो प्रॉब्लम है वो आ सकती है आप इसको बच्चों के होमवर्क करने के लिए अगर आप परचेस करते हैं तो होमवर्क करने के टाइम भी बच्चों को क्या प्रॉब्लम्स आएगी वो मैं आपको दिखाता हूँ तो बच्चे यहाँ पर जब बैठते हैं जब बच्चे होमवर्क करते हैं तो होमवर्क करने के टाइम वो थोड़ा सा भी अगर यहाँ आप देख सकते हैं हल्का सा आप इस पर अगर फोर्स आता है हल्का सा इस पर लोड आता है तो ये कुछ इस तरह से हिलने लगता है तो गाइस सेम चीज मैं आपको फ्लोर पर भी दिखाता हूँ फ्लोर पर भी रखने के बाद में भी इसमें यही प्रॉब्लम आती है फिलहाल मेरे पास लैपटॉप तो नहीं है लैपटॉप भी अगर आप रखेंगे तो आपको कुछ इस तरह से ये जो चीज है ये जो प्रॉब्लम है वो देखने को मिलेगी तो चलिए मैं आपको इसको फ्लोर पर रख के दिखाता हूँ तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं सेम जो प्रॉब्लम है वो यहां पर भी देखने को मिलती है आपको आइडिया लग रहा होगा कि हल्का सा फोर्स लगने के के बाद में इसमें कुछ इस तरह से यहां पर देख सकते हैं इसका बैलेंस जो है है प्रॉब्लम करता तो अगर आप बच्चों होमवर्क करने के लिए कुछ इस तरह का टेबल या होमवर्क के यूज के लिए अगर आप इस तरह का टेबल ऑर्डर करना चाहते हैं तो मेरी तरफ से मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको ऑनलाइन और लोकल मार्केट में वही जगह आपको कुछ इस तरह के टेबल और चेयर मिलेगा मैं आपको दिखाता हूँ वो आपको मैं रिकमेंड करूंगा इंस्टीट्यूट ऑफ दिस यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं ये वाला टेबल और चेयर आपको रिकमेंड करूंगा अगर आप बच्चों के होमवर्क के लिए इस तरह का डेस्क टेबल ऑर्डर करना चाहते हैं तो इस तरह का लैपटॉप टेबल लेना चाहते हैं तो आप उसकी बजाय ये ले सकते हैं आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा इसकी जो प्राइस है वो आपको वन थाउजेंड रुपीज के आसपास देखने को मिल जाती है तो भाई यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो टेबल और चेयर है वो बिल्कुल स्टेबल है बच्चे को लिखने में कोई भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप लैपटॉप परपज के लिए वो लैपटॉप टेबल लेना चाहें तो लैपटॉप परपज के लिए आप ले सकते हैं लेकिन उसमें भी आपको कुछ इस तरह की बैलेंस है रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो आ सकती है देख सकते हैं ये कुछ इस तरह का टेबल है और कुछ इस तरह की चेयर आपको देखने को मिल जाती है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है बहुत ही मजबूत है आप देख सकते हैं अगर इसके ऊपर कोई खड़ा भी हो जाएगा चाहे उसका वेट कितना भी हो तो भी इसका कुछ भी नहीं होने वाला है और यहां पर आपको ये टेबल मिल जाता है गाइज ये जरूरी नहीं है कि बच्चे इस पर राइटिंग वर्क करेंगे तभी उनको प्रॉब्लम आएगी आपको इससे आइडिया लग सकता है कि आप जब इस पर अपना वर्क करेंगे चाहे वो लैपटॉप के साथ में करेंगे चाहे वो रीडिंग या राइटिंग कुछ भी वर्क करेंगे तो उसमें भी आपको किस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है गाइस ये वीडियो अगर आपने यहाँ तक देख लिया है तो आप अपने यूजर्स के अकॉर्डिंग एक डिसीजन ले पाएंगे कि आपको इसे परचेस करना चाहिए या नहीं स्टिल अगर आपको इसको परचेस करना है तो चलिए आगे बात करते हैं इसकी प्राइस की और बात करते हैं आपको ये कहां से मिलेगा किस प्राइस में मिलेगा ओके सो किसका प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग आप देख चुके हैं प्रोडक्ट के प्रोज और कौन सा आप देख चुके हैं किस तरह की क्वालिटी आपको मिलती है वो भी आप देख चुके हैं अब बात करते हैं फाइनली इसकी प्राइस की तो क्या इसे फ्लिपकार्ट और अमेजन दोनों पर ही अवेलेबल है आपको जो प्राइस है वो 300 से लेकर 400 के बीच में इसकी जो प्राइस है वो देखने को मिल जाएगी डिस्काउंट के अकॉर्डिंग इसकी जो प्राइस है वो वेरी करते रहती है अब बात करते हैं कि मैंने इसको कहां से ऑर्डर किया तो गाइस मैंने इसको एमेजोन से ऑर्डर किया था और इसकी जो प्राइस थी वो थ्री हंड्रेड एंड ट्वेंटी नाइन रुपीज थी लेकिन यहां पर डिलीवरी चार्जेस वन हंड्रेड एंड थर्टी फाइव रुपीज लगने के बाद फोर हंड्रेड एंड सिक्सटी फोर रुपीज में ये मुझे मिला है ऑर्डर का स्क्रीनशॉट यहां पर आप देख सकते हैं तो फ्लिपकार्ट पर और एमेजन पर दोनों पर ही ये प्रोडक्ट अवेलेबल है और दोनों पर ही इसमें जो डिलीवरी चार्जेस हैं वो हंड्रेड रुपीज से लेकर वन हंड्रेड एंड फिफ्टी रुपीज तक आपको पे करने होंगे गाइस ये प्रोडक्ट आपको लोकल मार्केट में भी मिल जाएगा वहां पर जो इसकी प्राइस है वो थ्री से लेकर फोर के बीच में देखने को मिलती है इस प्रोडक्ट के आपको अलग अलग क्वालिटी अलग अलग कलर्स में ये प्रोडक्ट अवेलेबल है जो स्टार्टिंग रेंज है वो यहीं से स्टार्ट होती है इसके बाद में अगर आप ज्यादा अच्छी क्वालिटी का लैपटॉप टेबल लेना चाहते हैं तो उसमें आपको थोड़ी ज्यादा प्राइस पे करनी पड़ सकती है तो वैसे अगर आप इस सेम प्रोडक्ट को ऑर्डर करना चाहते हैं तो सेम प्रोडक्ट का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वहां से आप ये सेम प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकते हैं बिकॉइज ये लैपटॉप टेबल्स कई बार मैंने देखा है कि रोड साइड्स पर भी कुछ लोग इसको लेकर बैठते हैं तो रोड साइड्स पर भी कहीं कहीं ये जो लैपटॉप टेबल्स हैं डेस्क टेबल है वो अवेलेबल हो जाते हैं तो वहां पर भी इसकी जो प्राइस है वो फोर हंड्रेड रुपीज इसकी प्राइस वो बताते हैं लेकिन आपको थ्री थ्री हंड्रेड से लेकर थ्री हंड्रेड एंड फिफ्टी रुपीज तक ये जो लैपटॉप टेबल्स है वो मिल जाते हैं सो तो गाइस बेटर है कि आपके लोकल मार्केट में अगर आपको ये प्रोडक्ट चाहिए तो लोकल मार्केट से आप इसकी जो प्राइस है वो पता कर सकते हैं क्योंकि आपको लोकल मार्केट में ये जो प्रोडक्ट है वो थोड़ी कम प्राइस में मिल जाएगा अगर आप भी किसी भी ऑनलाइन प्रोडक्ट का रिव्यू देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा मैं पूरी कोशिश करूंगा उस प्रोडक्ट प्रोडक्ट का रिव्यू वीडियो लेकर आने की तो आज की इस वीडियो में इतना ही आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो पसंद तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और आगे भी इसी तरह की इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना तो मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में थैंक्स अलॉट फॉर वॉचिंग